Hey guys, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया ही होगा आज का वीडियो कौन सी टॉपिक पर है, तो चलिए ज़्यादा समय न गवाकर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को आज फुल वेपन्स की गाइड देने वाला था, लेकिन मैं अगर फुल वेपन गाइड देने जाता तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने सिर्फ एसॉल्ट राइफल्स को चूज़ किया है। अब एसॉल्ट राइफल्स की जब बात आती है तो तब सामने आता है कि कौन सा एसॉल्ट राइफल बेस्ट है, ये कन्फ्यूजन सबको है। पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एसॉल्ट राइफल सारे के सारे ही बेस्ट है, कोई भी एसॉल्ट राइफल नॉर्मल नहीं है। हर सिचुएशन के लिए एसॉल्ट राइफल हर एक बना है, आप कौन से सिचुएशन में है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग जिसके साथ कंफर्टेबल हो आप लोग उस एसॉल्ट राइफल को ही यूज़ करें, मैं आप लोगों तक एसॉल्ट राइफल के सब डिटेल्स पहुँचा दूँगा, इसीलिए इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। जब आप लोग पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को पूरा एसॉल्ट राइफल्स की गट समझ में आ जाएगी। तो गाइस, हम लोग मेरे गैलरी पर आ चुके हैं, मुझे ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल गिरिना के वेबसाइट से मिला, तो चलिए देखते हैं। पहले आता है स्कार, स्कार का डैमेज है 53, रेंज है 60, मैगजीन है 30 की, रेट ऑफ फायर है 61, रिलोड स्पीड है 41, एक्यूरेसी है 42। इसमें सारे अटैचमेंट्स लगते हैं, साइलेंसर, मजल, फॉरग्रिप, मैगजीन, स्कोप। इसका एक नोट भी है, स्टेबल वेल बैलेंस्ड राइफल दैट इज़ ग्रेट फॉर बिगिनियर्स टू यूज, बैलेंस्ड एंड लो रिकॉइल। तो चलिए दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरे पे आते हैं M14। इसका डैमेज है 71 का, रेंज है 76, मैगजीन है 15 की, रेट ऑफ फायर है 41 एंड रिलोड स्पीड है 41 एंड एक्यूरेसी है 72 की। इसमें भी सारे अटैचमेंट लगते हैं, साइलेंसर, मजल, फॉरग्रिप, मैगजीन, स्कोप। राइफल विद द लॉन्गर रेंज, ऑलमोस्ट लाइक ए स्नाइपर राइफल, लॉन्ग रेंज, हाई डैमेज। तो चलिए तीसरे वाले को देखते हैं, तीसरे पे है ग्रोजा, डैमेज है 61, रेंज है 75, मैगजीन 30, रेट ऑफ फायर 56, रिलोड स्पीड 48, एक्यूरेसी 54। इसमें भी सारे अटैचमेंट लगते हैं, साइलेंसर, मजल, फॉरग्रिप, मैगजीन, स्कोप। हाई डैमेज एंड लॉन्ग रेंज राइफल विथ ग्रेट स्टेबिलिटी, पॉसिबल द स्ट्रॉन्ग इजी राइफल, प्रीफायर हैज़ बीन एवर सीन, लॉन्ग रेंज एंड रेयर। तो आप ग्रोजा को सिर्फ ड्रॉप बॉक्स में से ही उठा सकते हो और ये कहीं पर भी नहीं मिलता, क्योंकि ये बहुत सही स्टेबल एंड अच्छा गन है। तो फिर ग्रोजा के बाद वाले को देखते हैं, ग्रोजा के बाद आता है SKS। SKS का डैमेज है 82, रेंज है 82, मैगजीन है 10 की, रेट ऑफ फायर 33, रिलोड स्पीड 41 एंड एक्यूरेसी है 68 की। इसमें भी सारे अटैचमेंट लगते हैं सिवाय स्कोप के, क्योंकि इसमें प्री इनबिल्ट 4x स्कोप लगा रहता है। तो ये बता रहा है सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल दैट कम्स प्री अटैच विथ 4x स्कोप, लॉन्ग रेंज एंड हाई डैमेज। तो आप लोग हाई डैमेज के लिए SKS को भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आता है AK। AK का डैमेज है 61, रेंज है 72, मैगजीन है 30 की एंड रेट ऑफ फायर 56, रिलोड स्पीड 41 एंड एक्यूरेसी है 41 की। इसमें भी सारे अटैचमेंट लगते हैं, इसकी नोट है हाई डैमेज एंड इनक्वायर्स स्किल टू कंट्रोल हाई डैमेज एंड हाई रिकॉइल। तो चलिए उसके बाद वाले को देखते हैं, एक के बाद है M4A1। डैमेज है 53, रेंज है 77, मैगजीन है 30 की, रेट ऑफ फायर 56, रिलोड स्पीड है 48 की, एक्यूरेसी है 54 की। इसमें भी सारे अटैचमेंट लगते हैं, ए वेल बैलेंस्ड राइफल स्टेबल फॉर ऑल कॉम्बैक्ट सिचुएशन, यूजर फ्रेंडली एंड मिड रेंज। तो M4A1 के बाद आता है फार्मास। फार्मास का डैमेज है 53, रेंज है 70, मैगजीन है 30, रेट ऑफ फायर है 67, रिलोड स्पीड है 48 एंड एक्यूरेसी है 54। इसमें भी सारे अटैचमेंट रखते हैं, इसका नोट है फार्मर फायर्स 3 बुलेट्स एट ए टाइम एट इट इज़ वेरी डेडली इन मीडियम टू लॉन्ग रेंज। तो फार्मास को आप लोग जब टैप और रिलीज करके फायर करोगे तो इसमें से 3 बुलेट एक साथ निकलेगी, तो ये वर्स्ट फायर मोड वाला है, तो इसलिए ये बहुत फास्ट फायर करता है, तो आप लोग फार्मास को भी यूज़ कर सकते हो। फार्मास के बाद आता है ड्रैगनॉफ। ड्रैगनॉफ का डैमेज है 89, रेंज है 80 की, मैगजीन है 10 की, रेट ऑफ फायर 35, रिलोड स्पीड 41 एंड एक्यूरेसी है 68 की। इसमें भी सारे अटैचमेंट लगते हैं सिवाय स्कोप के, क्योंकि इसमें प्री इनबिल्ट 4x आता है। तो इसका नोट है ड्रैगनॉफ इज़ ए वेरी एक्यूरेट एंड पावरफुल ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल,
that only appear in resupply points and airdrop. It is a long range gun and rare item. Dragon up के बाद आता है M60. M60 का damage है 56 का, range है 65, magazine है 60 की, rate of fire है 56, reload speed है 48 and accuracy है 43 की. इसमें सिर्फ magazine ही रखती है और कुछ भी नहीं लगता. तो ये है standard light machine gun, comes with a large magazine and solid mid range firepower. Area of effect high damage. तो guys, अगर आप लोगों को अभी तक confusion दूर नहीं हुआ है तो आप लोग मुझे comment box पर बताइए, मैं अपना पर्सनल बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.